गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल टुडे इट्स आवर वीडियो नंबर 16 ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट जिसमें हम लोग एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं एंड अभी हमारा चल रहा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट जिसमें अगेन हम लोग थर्टी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं सो लेट्स बिगिन एंड आर फर्स्ट क्वेश्चन आई विल नॉट गो टू द पार्टी लेस्ट यू विल प्रोमिस टू अ मी फर्स्ट ऑफ़ ऑल लेस्ट का यूज़ तो नहीं होगा लेस्ट का यूज तब किया जाता है जब किसी को सजेशन दिया जाता है जैसे कि यू शुड नॉट डू दिस लेस्ट यू शुड फेल मतलब कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए नहीं तो तुम फेल हो जाओगे बट इस सेंटेंस में ऐसा कोई सेंस नहीं है इसीलिए लेस्ट गलत हो जाएगा एंड ऑप्शन बी में दिया गया है इफ़ इफ़ यू विल तो आई विल नॉट गो टू द पार्टी मतलब कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी इफ़ यू विल प्रॉमिस टू अ मी अगर तुम प्रोमिस करते हो कि मुझे अ करोगे ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पर एक नेगेटिव वर्ड की ज़रूरत है एंड ऑप्शन सी में दिया गया है अनटिल यू शुड तो शुड का यूज़ तो नहीं होगा शुड का यूज़ गलत हो जाएगा एंड अनटिल का यूज़ भी नहीं होगा अनटिल तब लगाते हैं जब कोई मेंशन टाइम की बात करते हैं जैसे कि आई विल स्टेयर अनटिल इवनिंग बट इस सेंटेंस में आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनलेस अनलेस यू प्रोमिस टू अंपनी मी अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट इफ यू नॉट प्रोमिस मतलब कि अगर तुम प्रोमिस नहीं करते हो नेक्स्ट आफ्टर स्विचिंग ऑफ द लाइट ही वेंट ऑफ टू स्लीप ऑप्शन ए में दिया गया है स्विचिंग ऑफ अ लाइट यहाँ पर स्पेसिफाइड लाइट की बात की गई है मतलब कि लाइट को ऑफ करने के बाद वो सोने चला गया तो स्पेसिफाइड होगा इसीलिए ए का यूज़ गलत हो जाएगा ऑप्शन ए गलत है ऑप्शन सी में दिया गया है ही हैज़ स्विच्ड ऑफ द लाइट तो ये पूरा सेंटेंस है जो कि एक अलग सेंटेंस बन जाएगा ही हैज़ स्विच्ड ऑफ द लाइट ही वेंट ऑफ टू स्लीप मतलब कि इन दोनों सेंटेंसेज में कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है सो ऑप्शन सी भी गलत है एंड ऑप्शन डी में है बीइंग स्विच्ड ऑफ तो बीइंग का यूज होता है जब खुद के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई किया जाता है बट यहाँ पर किसी के द्वारा लाइट ऑफ किया जा रहा है इसीलिए अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नो इम्प्रूवमेंट सेंटेंस बिल्कुल सही दिया गया है आफ्टर स्विचिंग ऑफ द लाइट लाइट को स्विच ऑफ करने के बाद ही स्पेंड्स गुड डील ऑफ मनी ऑन क्लोदिंग गुड डील ऑफ नहीं होता है करेक्ट फ्रेज होता है अ गुड डील ऑफ़ एंड इसका मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग तो वो अपनी क्लोदिंग में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पैसे खर्च करता है अ गुड डील ऑफ़ यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट अंटिल यू रिमेन काम यू कैन नॉट कंसनट्रेट सेंटेंस को तो देखते ही गलत कर देंगे क्योंकि यू के साथ रिमेन्स नहीं होगा रिमेन होगा एंड अनटिल का यूज़ भी गलत है एंड ऑप्शन डी में दिया गया है इफ़ यू रिमेन काम मतलब कि अगर तुम शांत रहते हो यू कैन नॉट कंसनट्रेट तो तुम कंसनट्रेट नहीं कर पाओगे तो ये दो सेंटेंस आपस में कोई मैच नहीं बना रहे हैं इसीलिए यहाँ पर इफ़ का यूज़ गलत होगा यहाँ पर एक नेगेटिव वर्ड की ज़रूरत है एंड वो दिया गया है ऑप्शन ए एंड बी में अनलेस यू रिमेन्स या फिर अनलेस यू रिमेन तो जैसा कि हमने पहले ही बताया यू के साथ रिमेन्स नहीं रिमेन आएगा यानी कि वब वन एंड द आंसर इज ऑप्शन बी मतलब कि अगर तुम काम नहीं रहते हो अनलेस यू रिमेन काम यू कैन नॉट कंसनट्रेट नेक्स्ट इफ आई डज नॉट पे माई पोस्ट पेड मोबाइल बिल बाई टो आई विल प्रोबेबली हैव टू पे अ फाइन ये सेंटेंस फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर बनेगा जिसमें इफ़ के साथ वाला सेंटेंस रहता है सिंपल टेंस में एंड उसके बाद वाला सेंटेंस रहता है सिंपल फ्यूचर फॉर्म में तो इफ़ के साथ दिया गया है आई डज़ तो आई के साथ तो डज का यूज़ नहीं होता है डज का यूज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है एंड आई के साथ यूज़ होता है डू सो so, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इफ़ आई डू नॉट पे और यही प्रेजेंट फॉर्म में दिया गया है बाकी ऑप्शन ए में दिया गया है इफ आई हैड तो ये पास्ट फॉर्म में इसलिए गलत हो जाएगा एंड ऑप्शन सी में दिया गया है इफ आई हैज़ नॉट पेड एंड आई के साथ हैज़ का यूज़ भी नहीं होता है नेक्स्ट एप्लीकेशंस आर टू बी सेंट टू द प्रिंसिपल बिफोर थर्टीथ में फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेंटेंस पैसिव फॉर्म में बनेगा एंड सेंटेंस दिया गया है पैसिव फॉर्म में एंड बाकी कोई ऑप्शन पैसिव फॉर्म में नहीं दिया गया है तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं विल बी के साथ वब थ्री आना चाहिए था तभी ये पैसिव फॉर्म में बनता विल बी सेंट होना चाहिए था सो ऑप्शन ए यहाँ पर गलत है ऑप्शन बी में दिया गया है आर सेंडिंग टू ये तो एक्टिव फॉर्म में है आर सेंडिंग टू मतलब कि भेज रहे हैं एप्लीकेशन खुद भेज रहे हैं ये गलत हो जाएगा एंड ऑप्शन डी में दिया गया है वॉर बिंग सेंड तो वॉर बिंग के साथ भी अगर सेंड का यूज करते यानी कि ऐसी एन टी तब ये पैसिव फॉर्म में है सो ऑप्शन डी भी गलत है इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नो इम्प्रूवमेंट एप्लीकेशंस आर टू बी सेंट टू द प्रिंसिपल मतलब कि एप्लीकेशन प्रिंसिपल को सेंड किया जाना है बिफोर थर्टीथ में मतलब कि थर्टिएथ मे के पहले नेक्स्ट वाइल देयर इज स्टिल अ डिबेट अबाउट वाई डिप्रेशन

जो कि ऑलवेज वर्ब के पहले रखा जाता है स्मार्टफोन यूज श्योरली प्लेज अ पार्ट यहाँ पर करेक्ट होता इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसमें में सही दिया गया है स्मार्टफोन यूज़ श्योरली प्लेज अ पार्ट एंड ऑप्शन सी में दिया गया है स्मार्टफोन यूजेज प्लेज अ पार्ट श्योरली तो यहाँ पर एडवर्ब को लास्ट में दे दिया गया है इसलिए यह गलत है एंड ऑप्शन डी में है स्मार्टफोन यूज़ वुड श्योरली प्ले अ पार्ट तो सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म में है इसीलिए वर्ड का यूज भी गलत होगा सेंटेंस में दिया गया है वाइल देर इज स्टिल अ डिबेट सो द आंसर ऑप्शन बी नेक्स्ट द न्यूज आर ट्रू न्यूज अनकाउंटेबल होता है इसलिए इसका कभी प्लुरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता इसके साथ इज आना चाहिए एंड इस दिया गया है ऑप्शन बी एंड डी में तो ऑप्शन डी में दिया गया है इज बींग ट्रू इज बीइंग ट्रू नहीं होगा यहाँ पर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यूज करेंगे द न्यूज़ इज ट्रू न्यूज़ सच है नेक्स्ट वॉट आर द ऑप्शन अवेलेबल ऑफ मी फॉर अ चेंज ऑफ करियर अवेलेबल के साथ ऑफ का यूज़ नहीं होता है इसलिए सेंटेंस गलत है एंड ऑप्शन ए में दिया गया है ऑप्शन अवेलेबल ओव मी मतलब कि मेरे ऊपर ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन अवेलेबल फ्रॉम मे मतलब कि मुझसे ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन अवेलेबल टू मी मतलब कि मेरे लिए ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी वॉट आर द ऑप्शन अवेलेबल टू मी फॉर अ चेंज ऑफ करियर तो यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए अवेलेबल के साथ दो प्रपोजिशन यूज़ किए जाते हैं एक तो टू जो कि इस सेंटेंस में सही हो जाएगा एंड एक होता है फॉर तो फॉर और टू का यूज़ कब कब किया जाता है फॉर का यूज़ तब किया जाता है जब किसी पर्पज़ की बात हो जैसे कि वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग मतलब कि पानी पीने के लिए उपलब्ध है बट जब कोई नाउन प्रोनाउन की बात हो तब टू का यूज़ करते हैं जैसे कि द वाटर इज़ अवेलेबल टू यू मतलब कि तुम्हारे लिए अवेलेबल है तो इस कंडीशन में टू का यूज होगा नेक्स्ट अ होल इज इन माई पॉकेट किसी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए इसके पहले देयर इज लगाया जाता है देयर इज अ होल इन माई पॉकेट मेरे पॉकेट में एक होल है सो द आंसर इज ऑप्शन डी नेक्स्ट हैव यू गॉट कंफर्मेशन ऑफ द रिसीट ऑफ द डोनेशन सेंटेंस तो बिल्कुल सही लग रहा है के साथ यूज हुआ है वर्ब थ्री का यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है सो so बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं ऑप्शन ए में दिया गया है हैज यू गॉट तो यू के साथ हैज़ का यूज नहीं होता है सो ऑप्शन ए गलत है ऑप्शन सी में दिया गया है डिड यू गॉट तो डिड के साथ भी गॉट का यूज़ नहीं होगा डिड के साथ ऑलवेज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया जाता है मतलब कि सिंपल फॉर्म यहाँ पर गेट होना चाहिए था एंड ऑप्शन डी में दिया गया है हैव यू गेट तो हैव के साथ सिंपल फॉर्म नहीं लगाया जाता है हैव के साथ वर्ब थ्री लगाया जाता है यानी कि गॉट इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नो इम्प्रूवमेंट हैव यू गॉट कन्फर्मेशन नेक्स्ट My cousin has been ill since थ्री days. थ्री डेज यानी कि पीरियड ऑफ टाइम जिसके पहले क्या यूज किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के पहले यूज किया जाता है फॉर फॉर थ्री डेज माई कजन हैज बिन इल फॉर थ्री डेज नेक्स्ट दिस ट्रेनिंग हैज इंटेंडेड टू गिव पीपल द स्किल्स दे नीड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब This training has intended. Intended का मतलब होता है इरादा कुछ इरादा करके कुछ किया जाता है तो इस सेंटेंस में कहा गया है कि ये ट्रेनिंग लोगों को स्किल सिखाने के लिए एक पर्टिकुलर जॉब के लिए स्किल सिखाने के लिए उसके उद्देश्य से बनाया गया है उसी इरादे से बनाया गया है तो ये ट्रेनिंग की बात है जो किसी के द्वारा बनाया जाएगा ये खुद नहीं बनेगा इसीलिए इसका पैसिव फॉर्म होना चाहिए एंड पैसिव फॉर्म में दिया गया है ऑप्शन डी इज इंटेंडेड टू इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिस ट्रेनिंग इज इंटेंडेड टू गिव पीपल द स्किल्स एंड ऑप्शन ए में दिया गया है हैव इंटेंडेड इसमें भी एक्टिव फॉर्म में है सो गलत है। एंड ऑप्शन बी में दिया गया है इज इंटेंड तो इसके साथ वब थ्री का ही यूज होगा तभी जाके ये पैसिव बनेगा इसलिए ऑप्शन डी ही मोस्ट अप्रोप्रियट आंसर है नेक्स्ट अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द कंपनी एक्सप्लेन दैट द मीडिया हैड मिस प्रेजेंटेड द फैक्ट अबाउट द एक्सीडेंट इन दियर बिल्डिंग एक्सप्लेनड दैट मतलब कि पास्ट फॉर्म में तो बाद वाला भी पास्ट फॉर्म में ही होना चाहिए द मीडिया हैड मिस प्रेजेंटेड द फैक्ट्स तो ये भी पास्ट के पास्ट फॉर्म में यानी कि पास्ट परफेक्ट फॉर्म में दिया गया है तो सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है एंड बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं मिस प्रजेंट द फैक्ट्स तो इसमें मिस प्रजेंट है मतलब कि प्रेजेंट फॉर्म में सो so गलत है ऑप्शन बी भी वही है एंड ऑप्शन डी भी वही है जस्ट एस लगाया गया है बट ये भी प्रेजेंट फॉर्म में ही है सो so तीनों ऑप्शन गलत हैं सो द आंसर इज ऑप्शन सी नो इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट हाउ लॉन्ग यू आर लिविंग इन दिस सिटी तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में पहले हेल्पिंग वर्ब आता है एंड उसके बाद ही सब्जेक्ट का यूज होता है सो so, सेंटेंस में तो ऐसा नहीं दिया गया है सब्जेक्ट के बाद दिया गया है हेल्पिंग वर्ब आर इसीलिए यह गलत है सेंटेंस गलत है ऑप्शन ए में दिया गया है Are you leave? तो आर यू लीव तो आर यू का यूज नहीं होगा ऑप्शन बी में दिया गया है आर यू बिन लिविंग तो आर आर के साथ बिन का यूज नहीं होता है सो ऑप्शन बी भी गलत है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैव यू लिव्ड नेक्स्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल हैड अ रेप्यूटेशन ऑफ बीइंग अ हार्ड प्लेस टू वर्क सो द वर्ड टॉक्सिक वॉज यूज टू डिस्क्राइब द एमनेस्टी वर्क कल्चर सो फार बैक एजन नाइनटीन नाइनटीज सो के साथ एज़ फॉलो नहीं करेगा एज़ के साथ एज फॉलो करेगा एंड एज के साथ एज दिया गया है ऑप्शन ए में एज फार बैक एज दाइनटीन नाइन्टीज़ सो द आंसर इज ऑप्शन ए नेक्स्ट बैट्स हडल टूगेदर टू गेट वॉर्म ऑफ ईच अदर्स बॉडी बैट्स मतलब कि चमगादड़ एक दूसरे से लिपटते हैं उनके बॉडी का हीट पाने के लिए टू गेट द वॉम्थ होना चाहिए वाम्थ नाउन फॉर्म में एंड वाम्थ दिया गया है ऑप्शन डी में वाम्थ फ्रॉम मतलब कि एक दूसरे के बॉडी से ऑप्शन ए में है वार्मिंग फ्रॉम ये वब फॉर्म हो जाएगा सो गलत है एंड ऑप्शन बी में दिया गया है वार्म ऑफ तो ओ डबल एफ ऑफ इसका भी यूज़ नहीं होगा सो ये भी गलत है नेक्स्ट if the box breaking the glass bottle will be shattered ये सेंटेंस फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर बनना चाहिए बाद वाला दिया गया है सिंपल फ्यूचर फॉर्म में एंड इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंटेंस में दिया गया है आईएनजी फॉर्म सो ये गलत हो जाएगा कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं बनता है इसका स्ट्रक्चर एंड ऑप्शन ए में दिया गया है इफ द बॉक्स ब्रेक तो बॉक्स थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है इसके लिए ब्रेक्स आएगा ना कि ब्रेक एंड ऑप्शन सी में दिया गया है इफ द बॉक्स ब्रोक मतलब कि पास्ट फॉर्म में सो ये भी गलत है नेक्स्ट शी आर हैविंग टू ब्रदर्स एंड थ्री सिस्टर्स शी के साथ आर नहीं इज़ का यूज़ होता है इसलिए सेंटेंस तो गलत है एंड ऑप्शन डी में दिया गया है इज़ हैविंग बट इसका कंटिन्यूस फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते हैं इसका मतलब हो जाता है कि वो दो भाइयों और तीन बहनों को ओन कर रही है कंटिन्यूस फॉर्म में ये गलत हो जाएगा इसलिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यूज़ करना होगा एंड सिंपल फॉर्म में यूज़ किया जाता है शी के साथ हैज़ हैव भी नहीं होगा शी के साथ हैज़ यूज़ होता है इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए

तो कौन सा सही होगा द बुक्स पेज सीम्स या फिर द पेज ऑफ द बुक वॉज सीम्स तो इसमें वॉज लगाकर गलत कर दिया गया है इसमें सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में ही बनना चाहिए क्योंकि बाद में हैव बिन दिया गया है इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द बुक्स पेज सीम्स टू हैव बिन टॉर्न बाय समवन नेक्स्ट द सोल्जर्स कैरिड अराउंड द ऑर्डर ऑफ देयर कमांडर विदाउट क्वेश्चन कैरी अराउंड का मतलब होता है किसी चीज़ को फिजिकली कैरी करना uh, मतलब कि बहुत सारी जगहों में उसको कैरी करके ले जाना एंड ऑप्शन सी में दिया गया है carried अवे तो कैरी अवे का मतलब होता है किसी चीज़ को कहीं से रिमूव कर देना रिमूव समथिंग फ्रॉम समवेयर एंड ऑप्शन डी में दिया गया है सिर्फ carried जिसका सिंपली मतलब होता है कैरी करना सो so, यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन बी यहाँ पर किसी चीज़ को कैरी करने या फिर किसी चीज़ को कहीं से हटाने की बात नहीं है एंड ये इसीलिए सही हो जाएगा क्योंकि कैरिड के साथ आउट लगने से इसका मीनिंग चेंज हो जाता है कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना किसी को ओबे करना मानना तो सोल्जर्स ने अपने कमांडर के ऑर्डर का पालन किया विदाउट एनी क्वेश्चन क्वेश्चन किए बिना नेक्स्ट वोकेशनल ट्रेनिंग शुड नॉट बी सीन एज लेस इम्पॉर्टेंट दैन एन एकेडमिक एजुकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ए में दिया गया है दैन अ अकेडमिक तो अकेडमिक का ए वबल साउंड है इसके लिए ए का यूज नहीं होगा ए आर्टिकल गलत हो जाएगा एंड ऑप्शन सी में दिया गया है दैन एन अकेडमिक एजुकेट तो एजुकेट दिया गया है वर्ब फॉर्म में बट यहाँ पर नाउन फॉर्म की जरूरत है एंड ऑप्शन डी में दिया गया है देन देन का मतलब होता है तब बट यहाँ पर देन की जरूरत है देन मतलब कि uh, किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए देन का यूज़ किया जाता है मतलब कि वोकेशनल ट्रेनिंग को एकेडमिक एजुकेशन से लेस इम्पॉर्टेंस नहीं मिलना चाहिए मतलब कि उसके बराबर का इम्पॉर्टेंस मिलना चाहिए तो इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है इसलिए देन का यूज़ होगा एंड इसी हिसाब से सेंटेंस बिल्कुल सही है देन एंड एकेडमिक एजुकेशन नेक्स्ट देर वॉज अ लॉन्ग क्यू एट द पोस्ट ऑफिस एंड बाय द टाइम आई हैव रिज्ड द काउंटर आई वॉज़ टोल्ड द प्रिंटर वॉज नॉट वर्किंग देर वॉज अ लॉन्ग क्यू एट द पोस्ट ऑफ़िस पोस्ट ऑफिस में एक बहुत लंबा लाइन था एंड बाय द टाइम आई हैव रिच्ड ये प्रेजेंट फॉर्म में दे दिया गया है सो so सेंटेंस गलत हो जाएगा यहाँ पर पास्ट फॉर्म की ज़रूरत है तो पास्ट फॉर्म में रखेंगे ऑप्शन ए को बाय द टाइम आई रीच्ड द काउंटर मतलब कि जिस समय तक मैं काउंटर में पहुँची आई वॉज़ टोल्ड द प्रिंटर वॉज नॉट वर्किंग मुझे ये कहा गया कि प्रिंटर वॉक नहीं कर रहा है तो ये पूरा सेंटेंस पास्ट फॉर्म में है इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा एंड ऑप्शन सी में दिया गया है आई रिच ये प्रेजेंट फॉर्म में गलत हो जाएगा एंड ऑप्शन डी में भी वही है प्रेजेंट का कंटिन्यूस फॉर्म दिया गया है इसमें आई एम रिचिंग सो ये भी गलत है नेक्स्ट द फीमेल ऑस्ट्रिच गार्ड्स द नेस्ट एट द नाइट एंड द मेल गार्डेड इन द डे जैसे कि फीमेल ऑस्ट्रिच के लिए गार्ड्स का यूज़ किया गया है मतलब कि ये सिंगुलर है इसीलिए सिंगुलर वब का भी यूज़ किया गया है इसी प्रकार से द मेल इसके बाद भी गार्ड्स होना चाहिए था ना कि गार्ड तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गार्ड्स इट ड्यूरिंग द डे नेक्स्ट ऑथोरिटीज हैज़ बिन रेगुलर इशूइंग एवलॉन्च वार्निंग फॉर वॉलरेबल एरियाज दैट हैवी स्नोफॉल ऑथोरिटीज ये प्लुरल नाउन होता है इसके लिए प्लुरल वर्ब चाहिए एंड प्लुरल वर्ब दिया गया है ऑप्शन ए एंड डी में ऑप्शन ए में है हैव बिन रेगुलर इशूइंग एंड ऑप्शन डी में है हैव बिन रेगुलरली इशूइंग तो इशूइंग ये तो वर्ब हो गया इसके पहले एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब की जरूरत है एंड एडवर्ब के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैव बिन रेगुलरली इशूइंग नेक्स्ट द क्राउड हैव गैदर्ड अराउंड द एरिया टू वॉच द एक्टर्स क्राउड मतलब कि भीड़ यहाँ पर किसी पर्टिकुलर भीड़ की बात की गई है चाहे उसमें कितनों भी लोग क्यों ना शामिल हों बट ये सिंगुलर ही रहेगा द क्राउड हैज़ होना चाहिए एंड हैज़ एक ही ऑप्शन में है एंड दैट इज ऑप्शन बी द क्राउड हैज़ गैदर्ड अराउंड द एरिया टू वॉच द एक्टर्स नेक्स्ट लार्ज ग्लासेज मैग्नीफाइड हिज आइज सो दैट टू गेव हिम द अपियरेंस ऑफ अ वाइस आउल दैट टू नहीं होता है सो एज डू होता है इसका मतलब होता है इन ऑर्डर टू सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सो एज डू गिव नेक्स्ट आई हैव बिन वॉकिंग विद्ड्रन बिफोर सो आई नो वक्सपेक्ट बिफोर लिखा गया है मतलब कि यह कंप्लीटेड एक्शन को दिखा रहा है मतलब कि मैंने चिल्ड्रन के साथ पहले भी काम किया है बिफोर सो आई नो वट टू एक्सपेक्ट इसलिए मुझे पता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए सो so, ये कंप्लीटेड एक्शन है इसीलिए प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये गलत हो जाएगा प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ पास्ट में शुरू होता है बट अभी तक ख़त्म ना हुआ हो अभी तक कंटिन्यू है उस कंडीशन में बट यहाँ पर यूज़ होगा प्रजेंट परफेक्ट टेंस का एंड प्रजेंट परफेक्ट टेंस दिया गया है ऑप्शन बी में आई हैव वॉकड विद द चिल्ड्रन एंड ऑप्शन ए में है आई एम वॉकिंग तो बिफोर है इसीलिए कंटिन्यूस फॉर्म का तो यूज़ नहीं होगा एंड ऑप्शन सी में है आई वॉक तो बिफोर की वजह से सिंपल फॉर्म भी यूज़ नहीं होगा नेक्स्ट टॉन्स ऑफ शिप वो आर ग्रेजिंग इन द फील्ड शिप के साथ ट्स का यूज नहीं होता है शिप के ग्रुप को कहा जाता है फ्लॉक अ फ्लॉक ऑफ शिप वर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड ऑप्शन बी मेनी शिप्स आप सोच रहे होंगे कि ये भी तो सही हो सकता था मेनी शिप्स मतलब कि उसके ग्रुप को ना कहकर हम ये भी तो कह सकते थे कि मेनी शिप्स बहुत सारे शिप फील्ड में चल रहे थे तो ये इसीलिए गलत होगा क्योंकि शिप का कभी भी प्लुरल फॉर्म एस लगाकर नहीं बनाया जाता है ये शिप uh, ही रहता है सिंगुलर और प्लुरल दोनों फॉर्म्स में इसीलिए ऑप्शन बी एंड सी गलत हो जाएगा नेक्स्ट इन एन एग्जामिनेशन इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू आंसर अ क्विक फिनिश। अ क्विक फिनिश ये तो सही होता है अपने हिसाब से बट हम सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा इन एन एग्जामिनेशन इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू आंसर एक्यूरेटली मतलब कि एक एग्जामिनेशन में एक्यूरेटली आंसर करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जल्दी फिनिश करने से सो so, ये जो है टू आंसर एक्यूरेटली ये दिया गया है इन्फिनेटिव फॉर्म में तो बाद वाला भी इन्फिनेटिव फॉर्म में ही यूज़ किया जाना चाहिए एंड इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टू फिनिश क्विकली इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू आंसर एक्यूरेटली दैन टू फिनिश क्विकली सो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आगे मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय थैंक यू टेक केयर